बिहार में नीतीश सरकार शराबबंदी और पर्यावरण सुरक्षा पर जागरण अभियान कर रही है। पूरे राज्य में ह्यूमन चेन बनाया जा रहा है। पटना के गांधी मैदान में भी बड़ा आयोजन किया गया, जिसमें देखा गया कि महिलाओं को भी ह्यूमन चेन बनाते हुए। अब से थोड़ी देर बाद बिहार विश्व का सबसे बड़ा मानव श्रृंखला बनाने का इतिहास रचने जा रहा है। जैसा कि दावा किया जा रहा है कि इस मानव श्रृंखला में पूरे बिहार में 425 करोड़ लोग शामिल होंगे। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये मानव श्रृंखला कितनी बड़ी होगी। बताया ये भी जा रहा है कि करीब 16,000 किलोमीटर की ये मानव श्रृंखला पूरे बिहार, जो कि बिहार के 38 जिले हैं, वहाँ ये लगाई जाएगी। और इस मानव श्रृंखला के जरिए ये संदेश देने की कोशिश है कि पर्यावरण को बचाना कितना जरूरी है हमारे लिए। जल जीवन हरियाली के तहत बिहार में ये मानव श्रृंखला बनाई जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पूरे बिहार का दौरा कर चुके हैं इस मुद्दे को लेकर, क्योंकि जो पर्यावरण को लेकर पूरे विश्व में चिंता है, देश में सबसे ज़्यादा चिंता बिहार में दिखाई देती है। खासतौर पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार लेकर इसे बेहद गंभीर हैं, और यही वजह है कि ये मानव श्रृंखला आम जनों में जागरूकता फैलाने के लिए बनाई जा रही है। पर्यावरण को बचाने के लिए और नशा मुक्ति के खिलाफ आज एक बार फिर बिहार एक साथ खड़ा होने वाला है। 11:30 से 12 बजे तक पूरे प्रदेश में आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के आह्वान पर एक मानव श्रृंखला बनाई जाएगी, और इस बार एक नया विश्व रिकॉर्ड बनाने की जो है वो यहां पर कोशिश की जा रही है। तकरीबन अगर पूरे प्रदेश की बात करें तो 16,200 किलोमीटर लंबा आज मानव श्रृंखला बनाने की जो है वो तैयारी है। और राजधानी पटना की तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, किस तरीके से उत्सव का माहौल है। आप देखिए यहाँ पर लाइन में मानव श्रृंखला बनाकर यहाँ एनसीसी के जो छात्र और छात्राएं हैं वो यहाँ पर खड़ी हैं, और जगह जगह पर जो है नुक्कड़ नाटक का भी जो है वो मंचन यहाँ किया जा रहा है।